बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो वीडियो बनाने का मकसद है वो बहुत सी तब्दीलियां हुई हैं कोर्सेज के अंदर। ये नहीं कि सारे कोर्सेज ही तब्दील हो गए हैं, तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने जो है बहुत से जो कोर्स हैं वो तब्दील किए हैं। तब्दीली का मतलब ये है कि आपके जो पढ़ने का तरीक़ाकार है वो तो इसी तरह से है, बट यह है कि जो आपका एग्ज़ाम होगा, जो आपने पेपर्स देने हैं दिसंबर के अंदर, मिड टर्म होने जा रहा है और फिर फाइनल टर्म और क्विज़ और GDB, तो उसमें बहुत से सब्जेक्ट्स के अंदर से असाइनमेंट्स जो है वो ख़त्म कर दी गई हैं और ये सारी चीज़ें कुछ चेंजिंग्स हुई हैं और उसके अलावा असाइनमेंट्स भी ख़त्म हुई हैं। इसके अलावा जो आपके MCQs हैं उस बेस पे आप पेपर्स यूनिवर्सिटी लेने का फ़ैसला किया है, मगर यह है कि वो सारे सब्जेक्ट्स नहीं हैं। इसके लिए हमें कुछ जो मेरे पास सब्जेक्ट्स हैं उनकी डिटेल्स हम चेक कर लेते हैं कि ये आपने कैसे चेक करना है, ये अनाउंसमेंट कहाँ आती है और किस चीज़ को आपने फॉलो करना है। तो साथ रहिएगा, मैं आपको अभी बताता हूँ कि किस तरह आपने ये सारी चेक करना है। तो आपने सबसे पहले अपना LMS ओपन कर लेना है। LMS ओपन करने के बाद आपने होम पे आना है। होम के बाद होम जब ओपन कर लेंगे तो आपने यहाँ पर अनाउंसमेंट पर आना है। अब मेरे पास CS 101 है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, तो मैं इसकी अनाउंसमेंट चेक करता हूँ। अनाउंसमेंट अंदर आपने आ जाना है। लेटेस्ट अनाउंसमेंट आपको यहाँ से नेक्स्ट करने से मिलेगी। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने सेकंड अनाउंसमेंट आई हुई है, वेलकम टू द इंट्रोडक्शन कंप्यूटिंग। तो यहाँ डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपको न्यू आई हुई है, कोर्स ओवरव्यू आया हुआ है। इसके बाद थिंग्स टू रिमेंबर, इसके अंदर आप यहाँ पर आएँ तो ये 7 नंबर जो पॉइंट है इसके अंदर टेंटेटिवली वी विल फॉलो दी फॉलोइंग ग्रेडिंग स्कीम। तो हम इस सब्जेक्ट में पूरी आपके सारे सब्जेक्ट्स नहीं, सिर्फ CS 101 की बात हो रही है यहाँ पे, तो याद रखिए कि CS 101 की बात हो रही है। तो इसमें उन्होंने सेमेस्टर एक्टिविटी असाइनमेंट्स ये आपको बताया है, सर ने आपको ये अनाउंस किया है कि आपने इस सब्जेक्ट के अंदर आपके असाइनमेंट्स नहीं होंगी और इसके बाद आपकी जो ग्रेडिंग स्कीम होगी उसमें GDB 5% होगा, 100 में से 5%। टोटल पेपर जो है आपका 100 मार्क्स का है और आपका क्विज़ जो है वो 15% होगा और मिड टर्म एग्ज़ाम जो है 20% होगा। अब 20 और प्लस करते जाएँ और ये 40% ये हो गया और 60% का आपका फाइनल टर्म एग्ज़ाम बाद में होगा। इट मीन कि इस सब्जेक्ट में आपकी असाइनमेंट नहीं आएगी। GDP जो है आएगा वो 5% आएगा, क्विज़ जो आपके आएंगे वो 15% आएंगे। ये तब्दीली हुई है, इसमें चेंजिंग्स हुई हैं। तो सेमेस्टर वर्क विल बी काउंटेड बेस्ड ऑन ग्रेड क्विज़ आपके होंगे। और इसमें एक और चीज़ है कि अगर कोई स्टूडेंट, ये जो आपका फर्स्ट जो है 40% मार्क्स हैं जिसमें बनते हैं मिड टर्म तक, अगर कोई स्टूडेंट इन 40 में से 20 मार्क्स नहीं लेता, ठीक है, अगर वो 20% मार्क्स नहीं लेता तो वो उसको अलाउ नहीं यूनिवर्सिटी करेगी कि वो फाइनल टर्म दे। तो सो आपने मेहनत करनी है और इन पहली जो ग्रेड एक्टिविटीज़ हैं जो भी शुरू होने जा रही हैं, असाइनमेंट नहीं है, सिर्फ इस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो आपने इनमें से 20 स्कोर लेने हैं, इससे ज़्यादा लेने हैं, तो तब वो अपना जो फाइनल टर्म है वो दे सकेंगे। एक तो ये आपने करना है। ये मैंने आपको नई ग्रेडिंग स्कीम आई है तो इसकी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें असाइनमेंट नहीं है। दूसरा, अब हम सब्जेक्ट्स चेक करते हैं, होम पे जाते हैं। होम पे जाने के बाद हम जो है अब बात करते हैं इंग्लिश की, जो इस डिग्री के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी हम बात करें। इसके अनाउंसमेंट में जाते हैं तो इनके अनाउंसमेंट को ओपन करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपको जो एंड पे आखिरी असाइनमेंट, आखिरी जो अनाउंसमेंट आई है उसको हम पढ़ेंगे यहाँ पे, जो लेटेस्ट है। तो इसको अगर आप यहाँ पे चेक करें तो इस अनाउंसमेंट के अंदर आपको ये सेकंड अनाउंसमेंट, ये लेटेस्ट अनाउंसमेंट है 30 अक्टूबर की। तो यहाँ पे आप देखें तो GDP जो है, और एक GDP आएगा और थ्रू आउट एक 5 क्विजेज आएंगी आपकी। तो ये उन्होंने अनाउंस अभी तक किया है कि ये पैटर्न जो है इसको आप जहन में रखें इस तरह से। तो फर्दर जो इन्फॉर्मेशन है वो ना यहाँ पे अनाउंसमेंट होती रहेगी। और जो इंग्लिश 101 का है, आपका एक GDP आएगा और 5 क्विज आएंगी। इट मीन कि यहाँ पर भी असाइनमेंट्स जो हैं वो नहीं हैं, तो मे भी अगर हों तो वो बाद में आपको बताएँगे। तो अब हम इसी तरह से चेक कर लेते हैं सी इस्लामियात 202 की जो अनाउंसमेंट्स हैं उनको चेक करते हैं।
तो अगर उनकी अनाउंसमेंट आप चेक करें, आप हमेशा एक बात याद रखें कि अनाउंसमेंट जो है ना वो ज़रूर चेक किया करें। पहले ही बताता रहता हूँ कि अगर आप सर ने आपको कुछ बताना है तो वो थ्रू अनाउंसमेंट ही बताएंगे, या यूनिवर्सिटी ने अगर आपको कोई गाइडलाइन देनी है तो थ्रू अनाउंसमेंट ही। तो इसमें अनाउंसमेंट आई हुई है जी, अगर आप इसको देखें तो देयर विल बी 5 क्विज होल, आपकी इसमें 5 क्विज हैं और 4 क्विज विल 2% वेजेट उनका वेटेज होगा 2%, और 5 क्विज जो है उनका 4% होगा टोटल, यानी कि आपकी ये क्विजेज आएंगी और टोटल जो 100% मार्क्स का वैसे पेपर होता है, 5 क्विज जो है वो 12 वेटेज रखती हैं। तो देयर विल बी जी डी बी, आगे जो डी बी होगा वो उसकी वेटेज 3% होगी, यानी कि यहाँ पे आप देखें तो क्विज टोटल आपकी कितनी क्विज आएंगी, 5, 1, 2, 3, 4, 5, और हर एक क्विज के नंबर दे दिए हैं, दो दो दो। अगर वो फुल यानी कि क्विज आप करते हैं उसमें से 30 नंबर की क्विज है पूरे, अगर वो ले लेते हैं फर्स्ट क्विज के तो वो यानी कि आप 2 नंबर बन जाएंगे, 30 में से 15 लेते हैं तो आपके 1 नंबर बनेगा। तो इस तरह से क्विजेज सारी करेंगे अलग अलग, यानी क्विजेज जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं, आपने करनी करनी है। उसके बाद जी डी बी भी करना है, 3% फुल अगर नंबर लेंगे तो 3 होंगे, यानी कि सपोज आपको जी डी बी आता है उसके 50 नंबर होते हैं, आप उसमें से 25 लेते हैं इट मीन आपने 1.5 नंबर लिए हैं, अगर 50 पूरे लेते हैं तो फिर इट मीन आपके 3 हो गए 100 में से। तो मिड टर्म 25, मिड टर्म का जो पेपर होता है 100 अगर नंबर लेते हैं सारे ले लेते हैं तो आपके 25 नंबर बनेंगे फुल पेपर के, और फाइनल टर्म एग्जामिनेशन जो है उसमें अगर आप फुल नंबर लेते हैं सारे जो वहाँ पर होंगे सवाल तो उसके 60% बनता है, इसमें से आपके नंबर आएंगे। इनका मतलब ये होता है कि 100% का आपका पेपर है। फ़र्ज़ करें अगर आपके मिड टर्म में जो पेपर आता है उसका पेपर के मार्क्स टोटल बनते हैं 50 सपोज़, तो आप उसमें से 25 ले लेते हैं तो इट मीन आपने यहाँ पे 12.5 नंबर ले लिए हैं 100 में से। सपोज़ एक और एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने मिड टर्म में 100 नंबर का पेपर किया है और आपने 50 नंबर ले लिए हैं जो मिड टर्म में आए थे, तो 50 का मतलब हुआ कि आपने 12.5 नंबर लिए हैं अकॉर्डिंग टू इस वेटेज के। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो इसमें असाइनमेंट नहीं है तो इसको आपने ज़रूर मद्देनज़र रखना है। और फिर सिलेबस के बारे में बताया गया है कि आपके 1 to 15 जो है एग्ज़ाम मिड टर्म में, 1 to 15 में से आएगा टोटल, इसके जो है 30 आपके लेक्चर्स हैं और 1 से 15 लेक्चर में से मिड टर्म आएगा और 16 से 30 में से आपका फाइनल टर्म आएगा। और फिर एक और नई चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है कि एग्ज़ाम विल बी टोटली MCQ बेस्ड, यानी कि इसका जो पेपर होगा वो सारा ही MCQ बेस्ड होगा, वहाँ पे सब्जेक्ट क्वेश्चन नहीं होंगे। तो ये सिर्फ अभी मैं जो बात कर रहा हूँ सिर्फ इस्लामियात की कर रहा हूँ, इस सब्जेक्ट की कर रहा हूँ, ये इसका मतलब ये नहीं है कि सारा एग्ज़ाम ही आपका MCQs हो जाएगा। आपने सब की अनाउंसमेंट चेक करनी है हर सब्जेक्ट की, उस लिहाज से आपने देखना है। तो अब हम देखने जा रहे हैं, अब हमने इस्लामियात देख ली, अब हम देखेंगे मैथ। मैथ की अनाउंसमेंट मुझे नहीं नज़र आई, तो पाक की अनाउंसमेंट आई हुई है, मैथ की भी देख लेते हैं। मैथ की ऐसी कोई फ़िलहाल अनाउंसमेंट, जैसे मैंने पहले कहा है कि यहाँ पे कोई अनाउंसमेंट मैथ की इस तरह की नहीं है, MCQs आएगा या सब्जेक्टिव है, तो ये आपने सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है। ये नहीं किसी भी ग्रुप में या किसी व्हाट्सएप कहीं पे देख के या यूट्यूब पे तो या आपने किसी भी फेसबुक पे ग्रुप में देख के तो ये अखज़ कर लेना कि सारे ही आपके MCQ बेस आएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपने हर सब्जेक्ट को चेक करना है, अनाउंसमेंट चेक करनी है ईच सब्जेक्ट की। अब इस सब्जेक्ट के अंदर जो अनाउंसमेंट है वो हम देख रहे हैं कि उन्होंने ये एक बुक हैंड आउट दिया हुआ है जिसको आपने यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है क्लिक करके, तो इसमें से आपने पढ़ना है। ठीक है, तो ये डाउनलोड होना शुरू हो गया है, मैंने यहाँ पर की है, तो इसको आपने यहाँ से डाउनलोड करके रीड करना है, ये बिल्कुल फ्री है। तो जैसे जैसे आपको यहाँ पे गाइडलाइन मिलेगी आपने उसको फॉलो करना होता है। तो ये लाजमी आप अनाउंसमेंट चेक किया करें हर दूसरे दिन या डेली चेक करें जब LMS ओपन करते हैं। उसके बाद हम आएंगे पाक स्टडी की जानेब, तो पाक स्टडी के अनाउंसमेंट्स चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो पाक स्टडी में जो है सर ने बताया है यहाँ पर कि आपका बोथ एग्ज़ाम मिड टर्म फाइनल टर्म विल बी हेल्ड मल्टीपल। अब इन्होंने क्लियरली बता दिया है कि फाइनल और मिड टर्म दोनों जो हैं मल्टीपल चॉइस पे होंगे, इट मीन कि यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। तो मिड टर्म आपका फर्स्ट 15 लेक्चर में से आएगा और बादर जो है बाकी रह गया वो आपका फाइनल टर्म में होएगा। तो ये यहाँ पे हमने देख लिया पाक स्टडीज़ को भी। अब हम जाके देखते हैं कि आपका जो है SOC यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी जो है इसको हम चेक कर लेते हैं। तो इसके अनाउंसमेंट, इस सब्जेक्ट के अनाउंसमेंट हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे भी बता दिया गया है कि इसके अंदर भी आपने पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन टू ओपन द ट्रांसपोर्ट पॉलिसीज आप यहाँ चेक कर लें। असेसमेंट आप टोटल देखें
तो 15% आपकी कौन सी एक्टिविटी है, सेमेस्टर एक्टिविटीज़ के अंदर आप देखिए मिड टर्म्स जो है आपका वो कितना है जी 25%, और फाइनल टर्म आपका है 60% एंड 15% सेमेस्टर एक्टिविटीज़ है। और एक्टिविटी के अंदर क्या है, सेमेस्टर एक्टिविटी के अंदर हम देखते हैं 15% जो है आपका GDB है, और जी आपका क्विज़ जो है वो आप देख लें, क्विज़ विल बी शेड्यूल्ड थ्रू दी सेमेस्टर 3 प्री मिड और 2 पोस्ट मिड, यानी कि मिड से पहले 3 क्विज़ आएंगे और मिड के बाद 2 क्विज़ आएंगे, और ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड आप देख लें, पोस्ट मिड आएगा और उसके बाद आप देख लें ये GDB आएगा, ये बहुत ही अहम होगा, लाइक टू इन्फॉर्म द, फिर उसके बाद आपको इन्फॉर्म दैट, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि अगर जो है आपको असाइनमेंट देनी है उन्हें तो आपको इन्फॉर्म करेंगे। मिड टर्म जो है वो आपका, इसके बाद जी आपका यहाँ पे आप देखें तो आपका मिड टर्म जो है इन्होंने 25% बताया है और आपका फाइनल टर्म 60%, तो पहले भी आपको बता चुका हूँ कि 25% मीन कि 100 में से आपके 25 नंबर और 60 जो है वो 100 में से आपके 60 नंबर टोटल, यानी कि पेपर 60 और 25 ये हो गया आपके 85, 15% आपका GDB और क्विजेज़ के अंदर है। पहले ये होता था कि 15% जो था वो क्विज़ GDB असाइनमेंट होता, अब असाइनमेंट यहाँ पर नहीं है, तो हर सब्जेक्ट की अपनी अनाउंसमेंट है, उसको आप चेक कर लीजिएगा कि आपकी कौन सी अनाउंसमेंट आई हुई है, सब्जेक्ट की अलग से आई होती है, तो ये सब्जेक्ट्स जो मेरे मेरे नॉलेज में थे मैंने आपको बता दिए हैं, तो आपने इसी तरह से ये फॉलो करना है, उसी तरह से पढ़ना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।